ये हमारा प्रोजेक्ट है सिंगल फेज से 440 थ्री फेज वीएफडी है। इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे 220 का सोर्स यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है 220 इन और 440 आउट है। एसी आउट थी उसको डीसी करने के लिए 4 डायोड लगे हुए हैं, बीच रेक्टिफायर बनाया हुआ है, 4 डायोड से 6 से 10 डायोड लगे हुए हैं। तो उसके बाद प्लस मैंने सप्लाई आगे ये एक्सा ब्रिज में चली जाती है, तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे एक फ्यूज यूज किया हुआ है, इसके बाद एक फिल्टर कैपेसिटर यूज किया हुआ है, इसके बाद एक फ्यूज यूज किया हुआ है, और यहाँ पर हमने 6 मॉस्फेट यूज किए हुए हैं। तो ये एक फेज के लिए है, ये दूसरे फेज के लिए है, और ये तीसरे फेज के लिए है। तो 3 इसमें नेगेटिव स्विचिंग कर रहे हैं, 3 इसमें पॉजिटिव स्विचिंग कर रहे हैं। आउटपुट पे हमने 3Phase की इंडक्शन मोटर यूज की हुई है, और यहाँ पर हमने इसकी पावर, इस सर्किट की पावर सप्लाई के लिए 220 इन 12 वोल्ट आउट का एक ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है। ट्रांसफार्मर की एसी आउट है, उसको डीसी करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर है 1000 वीएफ का, इसके बाद फिल्टर कैपेसिटर 104 पीएफ, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर है 7.056 से लेकर 12 वोल्ट तक इनपुट होती है, फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट होती है। इसके बाद ये 5 वोल्ट हमने अर्डिनो यूनो के लिए यूज की हुई है, और ये 12 वोल्ट सप्लाई हमारा जो एक्सा ब्रिज के मॉस्फेट ड्राइवर है उनको चली जाती है। तो यहाँ से 6 सिग्नल इस मॉस्फेट ड्राइवर को जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 6 एलईडीज लगी हुई जो इंडिकेट कर रही है, ये एक फेज के लिए मॉस्फेट ड्राइवर लगा हुआ है, ये दूसरे फेज के लिए है, और ये तीसरे फेज के लिए है। IRF 2110 मॉस्फेट ड्राइवर है। एक मॉस्फेट के ऊपर 2 FET कंट्रोल हो रहे हैं, एक लो का है और एक हाई का है, यानी कि एक हाई साइकिल जनरेट करने के लिए और एक लो साइकिल जनरेट करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ से हर फेज के लिए 2 FET के लिए वायर जा रही हैं, और एक बैक EMF आ रही है, इसी तरह ही दूसरे फेज के लिए है, और इसी तरह ही तीसरे फेज के लिए है। और यहाँ पर हमने Arduino Uno माइक्रो कंट्रोलर यूज किया हुआ है, और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया हुआ है। तो अब हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको प्लग इन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमारा एसी सोर्स है उसके ऊपर, ये हमने ट्रांसफार्मर यूज किया हुआ है स्टेप अप करने के लिए, तो इसके ऊपर हम एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 440 एसी आ रहे हैं। इसके बाद आगे हमने जो एसी के बाद डीसी किए हैं, तो यहाँ पर हम डीसी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से डीसी जो है हमारे 600 के करीब डीसी आ रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज डीसी करने पे बूस्ट हो जाते हैं, जब हम कोई लोड चलाएंगे तो उसके मुताबिक वोल्टेज डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बूस्ट करना शुरू करते हैं, तो मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बूस्ट करते जा रहे हैं मोटर की स्पीड हाई होती जा रही है, और अभी ये मैक्सिमम वोल्टेज पर चली गई है। और यहाँ से हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं फेस टू फेस। तो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज फेस टू फेस, आउटपुट फेस टू फेस वोल्टेज बता रहा है 440 फेस टू फेस जो वोल्टेज हमारे आ रहे हैं 440 आ रहे हैं। तो वोल्टेज हमारे फिक्स हैं, वीएफडी है, यानी कि वोल्टेज हमारे फिक्स हैं, और फ्रीक्वेंसी की वजह से स्पीड जो है वो मोटर की कम हो रही है।